10 भी खुल गया। जस्टिस अजमत सईद कहते हैं अब बहुत सी चीजें वाजे हो जाएंगी, बेटे असासे साबित न कर सके तो जिम्मेदारी बाप पर नहीं आ सकती। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल, अवामी ओहदा रखने वालों की आमदन असासों के मुताबिक ना हो तो क्या होगा, जस्टिस एजाज अफसल के रिमांड। इसहाक डार का 34 साल का टैक्स रिकॉर्ड अदालत में पेश, जवाब में अदालती तहफुजात दूर करने की कोशिश की। वकील तारिक हसन के दलाइल, अब डिब्बा सारा दिन टीवी की जीनत बनेगा, जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अफसल ने कहा कानून के दायरे में रहकर लहरों के खिलाफ भी तैरना हो तो तैर लेंगे। पनामा केस का फैसला करीब आते ही सियासी पारा हाई, आबिद शेरअली की फिर मुखालिफीन पर तनकीद, कहा अगले वजीर आजम भी नवाज शरीफ होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान पागल हो जाएंगे। और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक इंसाफ की लड़ाई किसी फर्द वाहिद या खानदान के खिलाफ नहीं, निजाम के खिलाफ है। फवाद चौधरी ने कहा कि शरीफ फैमिली ने सिर्फ करप्शन का कारोबार किया, पहली मरतबा नवाज शरीफ का हकीकी एहतसाब हो रहा है। जहांगीर तरीन ने कहा नवाज शरीफ का इकतदार पर रहने का कोई जवाब नहीं।